उनको कुछ नसीब होने वाला नहीं है। 2014 में भी नहीं मिला, 2019 में भी जनता प्रतिपक्ष का नेता बनाने को तैयार नहीं है। जो लोग 50-55 सीट लेकर के विपक्ष का नेता बनने की स्थिति में नहीं है, वो प्रधानमंत्री बनने के लिए दर्जी के पास कपड़े सिला रहे हैं, बताओ। ये लोग चाहते हैं कि किसी भी तरह खिचड़ी सरकार बन जाए, कमजोर सरकार बन जाए, और इनका प्रधानमंत्री बनने का सपना फिर तय करेंगे। 3 महीने तुम प्रधानमंत्री, 3 महीने वो प्रधानमंत्री, 3 महीने वो प्रधानमंत्री, साल भर निकाल दो, आपको ऐसी बात मंजूर है क्या? याद करिए, जहां सपा का वोट बैंक नहीं वहां सपा की सरकार बिजली देती थी क्या, देते थे क्या? जहां बसपा का वोट बैंक नहीं वहां बसपा की सरकार आती थी तो बिजली देते थे क्या? भेदभाव करते थे कि नहीं करते थे? अकेले हम ही है जो सबका साथ सबका विकास करते हैं। भाइयों बहनों, सपा बसपा ने एक दूसरे के खिलाफ राजनीति की है। आज सुपड़ा साफ होने के डर से भले ही साथ आ गए हो, लेकिन ये स्वार्थ का साथ है। ऐसे ही साथ के लिए रहीमदास जी कह गए हैं, कह रहीम कैसे निभे बैर कैर के संग, कह रहीम कैसे निभे बैर कैर के संग। साथियों, कुछ हफ्तों के लिए ही सही, अगर आज बैर और कैर साथ आए हैं तो इनका टूटना भी तय है। इनकी एक्सपायरी डेट 23 तारीख शाम को पक्की है। जो जेल में है, जो जेल के दरवाजे पर है, जो बेल पर है, जो बेल के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं, वो सब केंद्र में एक मजबूत सरकार को एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं।